डिजीज का जो नेचर है, जो साइंस ने मॉडल बनाया कि किस तरह से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, तो वो उस मॉडल पे बना है कि ये एक बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल डिजीज है। इसमें पेशेंट का शरीर, ब्रेन, लिवर, खाना पीना, सोना, जो हमने साइको में किया, सोचे, मूड, फीलिंग्स, इमोशन सब खराब होता है, दुनियादारी, रिश्ते, वर्क, एवरीथिंग। तो उसी तरह से WHO कहता है ये फैमिली डिजीज है। वैसे भी घर में किसी को थोड़ा सा बुखार भी हो जाए तो सब चिंतित हो जाते हैं। तो जब ये फैमिली घर में आती, अब जब ये बीमारी घर में आती है और पेशेंट अफेक्टेड होता है तो डेफिनेटली फैमिली भी अफेक्टेड होती है। तो अगर पेशेंट को बेचैनी हो रही है, उसको नशा नहीं मिल रहा, फैमिली को बेचैनी हो रही है कि उसको नशा नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली डिजीज बन जाता है। और फैमिली में पेशेंट के साथ साथ जो फैमिली है वो भी चिंप ब्रेन से और एनिमल ब्रेन से ऑपरेट करने लग जाती है। फैमिली के भी जो दिमाग में केमिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे जब आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि पेशेंट की वजह से सब कुछ हो रहा है, पेशेंट बीमार है, बट यहाँ बैठ के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा भी जो ब्रेन है वो अब स्टेबल वर्क नहीं कर रहा, हमारे अंदर भी इश्यूज हैं, ठीक है। तो फैमिली यहाँ पर बैठकर अल्टीमेटली ये रियलाइज करते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली बीमार है, फाइन। मगर यहाँ पे आके जो फर्स्ट चीज फैमिली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम सिखाता है वो ये सिखाता है फैमिली को कि आप अपने पेशेंट से डिटैच हो, वो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, आप परेशानी की वजह से बीमार हो। तो जब तक आप अपने आप ऊपर पहले काम नहीं करोगे, अपने ब्रेन को स्टेबल नहीं करोगे, अपने मूड्स पे काम नहीं करोगे, अपने अनहेल्दी माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं करोगे, और जो हम यहाँ से आने से पहले करते आए हैं इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, अनहेल्दी बिहेवियर, तो उससे बीमारी बढ़ती रही और बढ़ेगी। सो फैमिली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मीन्स कि एक फैमिली, अनहेल्दी फैमिली यहाँ पर आई है, पेशेंट में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इलाज के साथ साथ कैपेसिटी आएगी। सो फैमिली पहले एक्सेप्ट करती है ये बीमारी है, लर्न करती है, और एट द सेम टाइम ये रियलाइज करती है कि वो खुद भी पेन में है, उसको खुद भी हीलिंग चाहिए, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ वो ये ट्रेनिंग लेती है कि उसको अपने पेशेंट को एज अ केयर गिवर और अपने आप को एज अ केयर टेकर कैसे संभालना है कि वो और फैमिली, पेशेंट और फैमिली रिकवरी में आ सके। यानी कि पेशेंट का, फैमिली का भी बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल मॉडल जो है वो अनहेल्दी है। सो फैमिली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम का ये मतलब है कि फैमिली को भी अपनी बीमारी पहचाननी है, अपनी कोडिपेंडेंस पहचाननी है, क्योंकि हम लाते पेशेंट को हैं जो डिपेंडेंट है, मगर हम भी कोडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम कोडिपेंडेंट हैं तो पेशेंट कभी रिकवरी में नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजों को मतलब लेकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाया है कि फैमिली एक्सपर्ट्स और पेशेंट के बीच में एक जोड़ है, ठीक है। फैमिली और जो एक्सपर्ट्स हैं वो एज अ टीम मिलते हैं, अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, अपने स्किल सीखते हैं, और पेशेंट को हम मिलकर रिकवरी में लेकर आते हैं। तो अगर फैमिली का एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि हम बिखरे हुए लोग हैं, हमारे घर में बाउंड्रीज नहीं है, हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, तो एक स्ट्रक्चर मिलता है, हमारी जिंदगी, रिश्ते, इज्जत, पैसा सब कुछ बिखरा हुआ, तो हमने वापस एक पेशेंट की लाइफ में भी स्ट्रक्चर आना है, हमारे अंदर भी स्ट्रक्चर आना है, ताकि हम एक दायरे में रहे और हम रिकवरी में आ सकें।